I'm Ajay Pal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next chapter of class 6th subject science. शरीर में गति. बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए. आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए. तो अपने शरीर में हर टाइम आपको पता है गतियां चलती रहती हैं. हमारे शरीर में सभ्यता ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है. ओके, तो हर टाइम आपका शरीर जो है एक जो है चुप नहीं रहता. कहने का मतलब है कि हर टाइम वो क्या करता है, गति करता ही रहता है. ओके, बस गति तभी बंद होती है जब बंद आदमी के अंदर श्वास भी बंद हो जाते हैं. कहने का मतलब है वो मृत हो जाता है. जब तक जान है तब तक गति होती ही रहेगी. ओके, जब तक अपनी नोटबुक में लिखते हैं, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है. आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं. आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. ओके, तो कहने का मतलब कुछ भी करते हैं तो आपके शरीर के अंदर गति होती ही है. आइए अपने मित्रों, अध्यापकों, अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 बढ़ते हुए यह देखते हैं कि ओके, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार गमन करते हैं. गाय क्या करती है? गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग पैर के मदद से कैसे गमन करती है? चलती है. मनुष्य भी पैरों के मदद से वो चलता है. सांप क्या संपूर्ण शरीर को रेंग कर चलता है. पक्षी क्या करता है? पंखों का उपयोग करता है, उड़कर जाता है. कीट क्या करता है? अपने पैरों से जाता है और क्या करता है, चलकर जाता है. मछली क्या करती है? अपने उसके आपको पता है पानी के अंदर वो मोशन करती है, उसके फिन्स होते हैं. ओके, तो वो क्या करती है, तैर कर जाती है. तो ये बुझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है. वे जानना चाहते हैं कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? हाँ बिल्कुल, पौधे अपनी जगह पर तो निश्चित एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, बट वो ऊपर की तरफ तो मोशन करते हैं ना. वो सन एनर्जी को देखते देखते ऊपर की तरफ, वो सन की तरफ वो मूव करना चाहते हैं. तो पढ़ते हैं, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं. जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है, मछली तैरती है? तो इसका कारण उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी हड्डियां हैं, उसके शरीर की बनावट है. ओके, मानव शरीर है इसकी गतियां. जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें. तो बोला जंतुओं की बात करने से पहले अपने शरीर की तरफ खुद तो देखते हैं. क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करने के समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ व पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है विद्यालय के अंदर आपका दिन, आपको पता है डेली आपका व्यायाम करवाया जाता था यहाँ पे जब आपके स्कूल लगते थे, असेंबली के अंदर, प्रेयर टाइम के अंदर. बट अब आप घर पे रहते हो तो आप कोई व्यायाम नहीं करते, सारा दिन खाकर वहीं बेड के ऊपर पड़े रहते हो. तो व्यायाम जरूर किया करो. ओके, इससे क्या होते हैं, आपका शरीर मजबूती, आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है. ओके, तो व्यायाम आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें. एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए. आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं, तो आप सोचो कि आपके सामने विकेट है और आपके हाथ में बॉल है, तो आप कल्पना कीजिए कि आप उस विकेट को गिनाना चाहते हैं. तो अब देखो कि आपके मोशन, आपके बॉडी के अंदर कौन कौन सी गति हो रही है. क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं,
क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा पैर को कुल्ले के चारों ओर घुमाइए। आपकी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे से छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? तो ऐसा आप देखो कितनी आपकी बॉडी लचीली होती है, कितनी तरह आप मोशन कर सकते हो। आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए तथा प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? तो आपने इस सारणी को क्या करना, पूर्णता पूरा करना। हमारे शरीर में गतियाँ, गर्दन पूर्णता घूमती है, हाँ जी बिल्कुल घूमती है, ओके, अंशता घूमता मुड़ता है। तो इसके अंदर आपने ये बताना है कि आपका जो हड्डी है वो घूमती है, जिसके अंदर वो होती है, ओके, पूरी की पूरी वो घूमती है, झुकता भी है, उठता भी है, गति बिल्कुल नहीं करता। तो ये आपने कलाई कैसे करती है, उंगलियां कैसे करती हैं, ये सारी आपने टेबल कंप्लीट करनी है, ओके। तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, बेसिकली कौन सी जो आपके शरीर का पार्ट है वो कैसे मूव करेगा, ओके। तो आज का काम आपका इतना ही है। तो ये आपने टेबल कंप्लीट करनी है और जितना आपको चैप्टर करवाया वो अच्छे से आपने रिवाइज करना। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।